तो बच्चों रेशम के कीड़े जो है अपने मुंह से धागा निकालते हैं, थूक थूक यानी वो थूक उनका धागा बन जाता है, हवा लगने से वो खटो कर धागा बन जाता है। वही धागे का वो लोग क्या करते हैं, नेट बना लेते हैं यानी जाली बना देते हैं, और उसी जाली में वो अपने आप को महफूज हमेशा महफूज रखते हैं, ठीक है। और वो तागा इतना स्ट्रांग होता है बच्चों कि जितना स्टील के बर्तन का तागा होता है, ठीक है। स्टील के बर्तन का आप लोग तो शायद देखे होंगे हमारे घरों में जो है बर्तन धोने का झामा होता है, वो किसका बना हुआ होता है, वो स्टील के तागों का बना हुआ होता है, बारीक 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 तागे होते हैं। उसी तरह वो स्टील के तागे जितने मजबूत होते हैं ना, उसी तरह ये कोकोन जो है रेशम के कीड़े के मुंह से निकला हुआ थूक भी उतना, थूक का तागा भी उतना ही मजबूत होता है। द स्टील यार्न द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकोन ऑफ द सिल्क मॉथ। देयर इज अ वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ्स व्हिच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर, कोर्स स्मूथ शाइनी एक्सेट्रा। तो अलग अलग कीड़ों के अंदर से निकलने वाले अलग अलग तागे अलग अलग तरह के होते हैं बच्चों। थोड़े से थोड़े तागे नरम होते हैं, थोड़े तागे सख्त होते हैं कीलों की तरह, थोड़े तागों में से शाइनिंग आती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह अलग अलग कीड़ों के मुंह से, अलग अलग रेशम के कीड़ों के मुंह से अलग तरह के तागे वो निकालते हैं। दस तसार सिल्क मोगा सिल्क कोसा सिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम द कोकोन स्पून बाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ्स। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज मलबरी सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ मीन्स, तो बच्चों इस तरह ये सारे अलग अलग तरह के सिल्क है, तसार सिल्क मोगा सिल्क कोसा सिल्क एक्सेट्रा। और इन सारे सिल्क में सबसे आम सबसे कॉमन जो सबसे ज्यादा मिलता है वो है मलबरी सिल्क मॉथ, ठीक है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकोन ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट। ये एक्चुअली एक सॉफ्ट होता है, नरम होता है, ठीक है, एकदम मुलायम मुलायम कह सकते हैं, नरम, लस्ट्रस लस्ट्रस एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। ये जो मलबरी सिल्क मॉथ है ये मुलायम होता है, ओके, और इलास्टिक की तरह खींचने के बाद वो रिगेन अपना शेप रिगेन कर लेता है। ये मलबरी सिल्क जो है बहुत नरम होता है, बहुत मुलायम होता है और इलास्टिक की तरह होता है, और इसे अलग अलग कलर्स में इसे डाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते, इन्हें अलग अलग कलर्स में धो सकते हैं और यानी इन्हें अलग अलग कलर्स में बना सकते हैं, ठीक है। इनका जो प्रोसेस है ये बहुत पुराना प्रोसेस है, आज का नहीं है, इंडिया में बहुत सालों से रेशम का कपड़ा बनाया भी जाता है और इंडिया के बाहर भी बेचा जाता है। अब आइए देखते हैं कोकून को सिल्क में कैसा कन्वर्ट किया जाता है। कोकून यानी वो धागा जो रेशमी कीड़े के जिस्म पे लपटा हुआ हमें मिलता है, ठीक है, वो धागा जो रेशमी कीड़े के जिस्म पे लपटा हुआ हमें मिलता है, वैसे वही धागा जो कीड़े का थूक की तरह कीड़ा खुद अपने ऊपर लपेट लेता है उसे कोकून कहते हैं। अब उसको लेकर सिल्क कैसे बनाया जाता है वो देखेंगे। A female silk moth lays hundreds of eggs at a time. The eggs are stored carefully on strips of cloth or paper and sold to silkworm farmers. ठीक है? आप लोग शहतूत का झाड़ सुने, शहतूत का झाड़, ये शहतूत का झाड़ है, शहतूत का झाड़। इस झाड़ के पत्तों पर ये रेशम के कीड़े क्या करते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। तो इन अंडों को क्या किया जाता है, बहुत नाजुक अंदाज में, बहुत आहिस्ता, बहुत नजाकत के साथ, बहुत सुकून के साथ इन अंडों को जमा कर लेकर इन अंडों को जो है किसानों को दिया जाता है। वो किसान जो ये कोकोन को लेकर रेशम का कपड़ा बनाते हैं। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथ। एक नरम कपड़े पर उन अंडों को रखकर या फिर नरम पेपर पर रखकर उन्हें सिल्क वॉर्म फार्मर्स को बेच दिया जाता है, ठीक है। द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशंस एंड अंडर सुटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। वो फार्मर्स क्या करते हैं, किसान वो अंडों को लेकर
गर्म टेम्परेचर में रखते हैं, यानी सर्दी में नहीं रखते, एक 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 ऐसे कमरे में रखते हैं जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, जहां पर गर्मी ज्यादा है, ज्यादा मतलब इतनी ज्यादा नहीं कि पसीने छूट आए और वो अंडे सड़ जाए, बस इतनी गर्म कि वो अंडे महफूज रहे। द एग्स आर वार्म्ड टू ए सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्व टू हैच फ्रॉम एग्स। इन अंडों को बस थोड़ी सी गर्मी इतनी दी जाती है कि वो अंडा बर्दाश्त कर सके, ताकि वो अंडे में से कीड़ा निकल कर आए। दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर ए फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। द लार्व कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म्स ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज एनॉर्मसली इन साइज। अब आपको एक डाउट आ रहा होगा कि भाई ये रेशम की कीड़े जो है सिर्फ मलबरी झाड़ पर ही, शहतूत के झाड़ पर ही अंडे क्यों देते, दूसरे झाड़ पे क्यों नहीं देते? तो इसका रीजन ये है बच्चों के रेशम का जो कीड़ा होता है उसे ये मालूम है कि वो उसके बच्चे सिर्फ और सिर्फ इस झाड़ के पत्ते ही खाएंगे। रेशम के कीड़े सिर्फ और सिर्फ ये झाड़ के पत्ते खाते हैं, इसीलिए इस झाड़ पर ही वो अपने अंडे देते, इस झाड़ के पत्तों पर ही वो अपने अंडे देते हैं। और इनकी खासियत ये है बच्चों कि ये जब पैदा हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा खाना शुरू करते हैं और बहुत जल्दी दिन रात खाना शुरू कर बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। ठीक है। द लार्व आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेस अलोंग विद फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स। तो ये जो कीड़े हैं लार्व, जिसे लार्व कहते हैं, अभी छोटे हैं, उन्हें क्या करते हैं, एक प्लास्टिक के बड़ी कश्ती में शहतूत के पत्तों के ऊपर इन कीड़ों को रखा जाता है। फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स, शहतूत के पत्ते, वो पत्ते जो एकदम फ्रेश है, अभी बने हैं, एकदम फ्रेश पत्ते, ताजे पत्ते लेकर एक ट्रे में रख दिए जाते हैं, फैला के रखे जाते हैं, उस पर जो है ये रेशम के कीड़े रखे जाते हैं। आफ्टर 25 टू 30 डेज द कैपिलरी स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू टाइनी चेंबर ऑफ बैम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कोकोन्स। जब 25 से 30 दिन के बाद जब ये खाना बंद कर देते हैं, कीड़े, रेशम के कीड़े खाना बंद कर देते हैं, तो ये क्या करते हैं, 25 से 30 दिन के बाद जो है ये अपने मुंह से थूक निकालकर जिसका वो तागा बनता है उस तागे से अपने आप को लपटना शुरू कर देते हैं, मतलब ये कि रेशम बनाना शुरू करते हैं। द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन्स द कोकोन इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मॉथ। ठीक है। अब 25 से 30 दिन के बाद वो कीड़े क्या करते हैं, अपने अतराफ जिस्म पे जो है सो रेशमी रेशम के जो है जाला बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अब ये जो रेशम का जाला है वही असल में रेशम का तागा होता है, जिसे निकालकर उस पर और ज्यादा काम किया जाता है। नाउ प्रोसेसिंग ए पाइल ऑफ कोकोन्स इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। सारे जो कीड़े हैं उन सारे कीड़ों के अतराफ जो तागा है वो तागे को आहिस्ता कीड़ों के ऊपर से निकाल लिया जाता है। ठीक है। निकालने के बाद इन तागों को जो है सूरज की धूप में रखा जाता है या फिर आहिस्ता गर्म किया जाता है और उन्हें भाप दी जाती है। ठीक है। ये भाप क्यों दी जाती है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो वेस्ट है, जो कचरा है, वो निकल जाए। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। और सिल्क के कीड़ों में से, रेशम के कीड़ों के ऊपर से जो सिल्क निकाला जाता है कोकून, उस निकालने को क्या कहते हैं, रीलिंग द सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स विच अनबिंड द थ्रेड्स ऑफ फाइबर। और ये जो काम किया जाता है एक्चुअली इनके खास मशीन्स होते हैं जिनके अंदर ये कीड़ों के ऊपर का तागा अलग कर दिया जाता है। इसके बाद सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू यही जो कोकून है, जाले हैं उसके ऊपर से, उनके ही रेशम के धागे फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, वही धागे इस्तेमाल कर रेशम के कपड़े बनाए जाते हैं। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर फाइबर्स टू फैब्रिक। इस चैप्टर के जो 5 to 6 वीडियोस है बार बार देखिए, बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए, इसके अंदर मैंने सारे डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश की है, एक चीज को बार बार समझाने की कोशिश की है, इसे समझकर अच्छी तरह से इसके क्वेश्चन को आंसर दीजिए।